टेरिटरी ऑफ डेली फॉर्मल नेम ऑफ डेली नेशनल टेरिटरी ऑफ डेली सो यह दोनों आर्टिकल टू थर्टी ए इज लाइक मीनी कॉन्स्टिट्यूशन फॉर डेली कैसे गवर्नमेंट बनेगी क्या पावर्स होंगे क्या सब्जेक्ट होंगे वो सारी चीजें आर्टिकल टू थर्टी नाइन डबल ए में एंड आर्टिकल टू थर्टी नाइन ए बी इट टॉक्स अबाउट यू नो द पावर टू इश्यू एन ऑर्डिनेंस इन डेली ओके ज आर्टिकल टू थर्टी नाइन ए एंड आर्टिकल टू थर्टी ए एंड ए बीज आर टू स्पेशल एक्सप्लिस और आर्टिकल है जो यूटीज के गवर्नमेंट से रिलेटेड है वो आर्टिकल टू थर्टी नाइन बी है उसके बारे में आगे बात करेंगे ठीक है सो नाउ वी आर लुकिंग एट आर्टिकल टू थर्टी नाइन डबल ए इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस ये आप आर्टिकल्स देख भी सकते हैं इसमें बहुत ज्यादा डिटेल्स में, में जाने की जरूरत नहीं है यह आर्टिकल हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है वॉट इज आर्टिकल टू थर्टी नाइन डबल ए इट इज लाइक अंस्टिट्यूशन फॉर डेही सो डेली में जो असेंबली बनाया गया वो कैसे बनाया गया इसी आर्टिकल से बनाया गया सो दिस आर्टिकल वॉज एडेड थ्रू सिक्सटी नाइन्थ अमेन्डमेंट एक्ट ओके सिक्सटी नाइन्थ अमेंडमेंट एक्ट लाया गया इसके लिए नो समू आर आस्किंग अबाउट कॉन्करेंट इज सब्जेक्ट ऑफ कोर्स

क्रिएशन ऑफ असेंबली फॉर एन सिटी ऑफ डेली एंड फॉर एंड फॉर अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड फॉर अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स सो दिल्ली में जो असेंबली बन रहा है वो किस आर्टिकल से बन रहा है आर्टिकल टू थर्टी नाइन डबल ए से तो वहां पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं प्लस यू हैव एन असेंच विल्ली एनसी अब इसमें आप देख सकते हैं इट इज एन असेंबली विद सेवेंटी रिजर्वेशन के प्रोविजन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का साइज क्या होगा वो सारी चीजें आपको इसी आर्टिकल में मिलती हैं ऑल ऑफ दैट इज मैं इन द सेम आर्टिकल यू कैन गो थ्रू द स्टैटिक पार्ट इट टॉक्स अबाउट सेवेंटी मिनिस्टर्स प्लस इन दर्टिकल ओके इसी आर्टिकल में लिखा हुआ है द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इज दट डेली हैज गॉट सब्जेक्ट्स ऑफ द स्टेट लिस्ट एक्सक्लूडिंग स्टेट लिस्ट सब्जेक्ट्स एक्सक्लूडिंग पुलिस पब्लिक ऑर्डर एंड लैंड पुलिस पब्लिक ऑर्डर एंड लैंड तीन सब्जेक्ट्स हैं जिस पर दिल्ली की असेंबली लॉज नहीं बना सकती है ये स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट्स हैं इस पर सेंटरी लॉ बनाती है बाकी सारे सब्जेक्ट पर जैसा स्टेट में पावर्स होती है दे कैन मेक लॉज ऑन कॉन्डीज सब्जेक्ट पार्लियामेंट कैन मेक लॉज ऑन कॉन्ग्रेन सब्जेक्ट ऑल्सो बट वट इज द ओवर आकिंग पॉवर ऑफ द पार्लियामेंट पार्लियामेंट कैन मेक लॉज ऑन एवरी सब्जेक्ट इंक्लूडिंग द स्टेट लिस्ट सब्जेक्ट ऑल्सो सो नॉर्मली दिल्ली की असेंबली इन तीन सब्जेक्ट को छोड़कर बाकी सब पर लॉ बना सकती है बट पार्लियामेंट कैन मेक लॉ ऑन एवरी सब्जेक्ट ऑफ दिल्ली असेंबली ऑल्सो दिस इज वेर द कॉन्ट्रोवर्सीज़ अक लास्ट सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया एक्ट गली एक्ट टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री में एक अमेंडमेंट आया उसको लेकर हमें डिस्कशन करनी है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को ओवर रूल करने के लिए अमेंडमेंट लाया गया ठीक है सो आई होप यह अभी आपको सबको क्लियर हो गया पार्लियामेंट कैन मेक लॉज on all subjects of delhi including state list subjects parliament can make laws on all subjects of delhi including the state list subjects